फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश जैसाणी। आप देख रहे हैं आरजे रिव्यू एंड अपडेट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ द व्हील ऑफ द टाइम के एपिसोड नंबर 8 के इंडियन रिलीजिंग टाइमिंग को लेके। और जी हाँ, इसके सीजन 2 के रिलीजिंग टाइमिंग और इसकी की गई साथों साथ रीकास्टिंग के बारे में कि आखिर डायरेक्टर ने इसकी रीकास्टिंग क्यों की है। तो फिर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर बात करें इसके एपिसोड नंबर 8 की रिलीज डेट को लेके। तो इसकी रिलीज डेट है 24 दिसंबर को। और जी हाँ, ये आपको हिंदी, तमिल और तेलुगू में भी देखने को मिलेगा। फिर बात करें इसके एपिसोड नंबर 8 के रिलीज टाइम को लेके। तो इसके एपिसोड नंबर 8 की रिलीज टाइम है 24 दिसंबर को सुबह के टाइम 6 से 7 AM के बीच में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसके एपिसोड के लेंथ के बारे में तो बताया जा रहा है कि इसकी लेंथ 45 मिनट से लेके 55 मिनट के बीच में होगी। तो फिर बात कर ले दट व्हील ऑफ द टाइम के सीजन 2 के रिगार्डिंग। तो इसके सीजन 2 को इसके सीजन 1 से पहले ही ग्रीन लाइट दे दी थी प्राइम वालों ने। और अभी इसकी इस साल के एंड में ही इसकी शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में चला जाएगा। और पोस्ट प्रोडक्शन में कम से कम 6 से 7 महीने रहेगा और उसके बाद ही आपको इसका सीजन 2 देखने को मिलेगा। इसलिए आप मोटा मोटा पकड़ के चलो कि आपको 2022 के अक्टूबर या फिर नवंबर में ही देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बात करें रीकास्टिंग को लेके तो उसे ऑफिशियली डेडलाइन वालों की तरफ से कंफर्म कर दिया है। तो फिर बात करें कि इस कैरेक्टर की रिकास्टिंग की गई है। तो फिर सीजन 1 में मैट कॉटन का रोल प्ले कर रहे एक्टर बार्नी हैरिस की रिकास्टिंग की गई है और उनकी जगह डोनाल्ड फिम को कास्ट कर लिया गया है। फिर बात करें किन कारणों की वजह से रिकास्टिंग की गई है। तो फिर रिपोर्ट में तो साफ साफ नहीं लिखा है कि किन कारणों की वजह से रिकास्टिंग की गई है, लेकिन मेरा मानना है कि जो डायरेक्टर बेन हार्ली से जो उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं वो उसे फुलफिल नहीं कर पाते थे, इसलिए उसी वजह से मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने रीकास्टिंग की है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि सीजन 2 में डायरेक्टर इसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं, क्योंकि सीजन 1 में हमने ऑलरेडी लेकिन अब सीजन 2 में मैट कॉटन का रोल प्ले नए एक्टर कर रहे हैं, इसलिए नया चेहरा और नई वॉइस होगी। इसलिए इसे एक्सप्लेन करने का तरीका डायरेक्टर क्या चुनते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही कुछ था द व्हील ऑफ द टाइम के रिलीज टाइम और सीजन 2 और इसकी की गई नई रिकास्टिंग को लेकर। तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसके एपिसोड 8 के लिए कितने एक्साइटेड है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी रिव्यू या फिर अपडेट में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के दूसरे रिव्यू या फिर अपडेट को एंजॉय करें। टिल देन, बाय।